ताबड़तोड़ जो है गोलियां यह चलाता है, डॉक्टर को धमकाने की भी कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि किस तरह से चला करके धमका करके जो वो लोग पूरी कोशिश करेंगे हाँ। और इनको पूरी ताकत लगा रहे हो, नहीं तो क्राइम सिटी हो गया। अगर हमारा हमारा जो फोकस है वो इस चीज़ पे है कि चाहे समय कितना भी लगे लेकिन इनकी जो कार्रवाई हो वो बिल्कुल जो बनती है वो कार्रवाई हो। सर कितने राउंड फायरिंग हुई सर, फिलहाल कितने राउंड फायरिंग हुई पता चला? अभी हम जब सीसीटीवी फुटेज का पूरा एनालिसिस करेंगे तभी क्लियर हो पाएगा कितने राउंड। गौरव जी क्या आपको, गौरव जी क्या आपको लगता है पुरानी घटना जो हुई थी पीछे भी इस अस्पताल में घटना हुई थी उससे इसको जोड़ के देखा जा रहा है? इसी बात की जाँच कर रहे हैं, इसी चीज़ की जाँच। फिलहाल सर डॉक्टर, सर डॉक्टर अपने आप को सुरक्षित कैसे समझें? डे बाय डे डॉक्टरों पर मर्डर, सुरक्षा के लिए हमले हो रहे हैं, व्यापारियों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस पर कैसे विश्वास करें? एक जो PCR है वो यहाँ लगा रहे हैं और उसके अलावा जो बाकी भी डॉक्टर्स की डिमांड होगी उसके बारे में हम विचार करेंगे जल्दी। सर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी बदमाश ने, एक गैंगस्टर ने चलाई है और असंध के छोटे से शहर में भी गैंगस्टरों का जो है गोलियों के बॉल बने हुए हैं, पुलिस यह वो नहीं देखना होगा। भाई तस्वीरों को शेयर कीजिएगा लेकिन सुरक्षित रहिएगा, घटना कहीं भी किसी भी वक्त किसी के साथ भी हो सकती है। धन्यवाद। बिल्कुल जरूर है जी, अभी भी सुरक्षित दूर नहीं है, इससे ज़्यादा और क्या होगा। चलो खुश भी किसी को लगी नहीं गोली जी, जितने फायर हुए सुना बहुत डराने की कोशिश की है डॉक्टर साहब, डराने की कोशिश की है भाई हम जो मांगते हैं हमारे को। वादा तो वादा, जो डराता है वो गोली मार भी सकता है, उसको बचाना तो पड़ेगा ना, ध्यान तो रखो। कौन डराने की कोशिश की गई है, बंदे पकड़ो, कोई बात तो हुई है ना जी। बिल्कुल डॉक्टर की भी मांग पहले भी की गई थी, कहीं डॉक्टरों की मांग की गई। देखो ऐसे जब वारदात होती है जी तो सारा मीडिया भी, सारा थाना भी, सारे पुलिस सबको सक्रिय हो जाते हैं, बाद में कुछ नहीं होता, किसी डाटो कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, कोई बंदा नहीं पकड़ा जाता, हमें तो वही धमकियाँ दिए जाते हैं, लोग हम कहते हैं भाई क्या करें, जो होगा देखा जाएगा। बाकी कोई ऐसी बड़ी घटना की वेट करती है, बहुत छोटा शहर है ये, पुलिस बड़ी घटना की वेट करती है नेचुरली, इतना बड़ा शहर नहीं है ये कि पता लगे, छोटा सा शहर है, आम आदमी आदमी को जानता है। बाकी तो कोई शरारती तत्व का काम है जी ये, बड़ा कहेंगे सर। पहली बात तो आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मीडिया का जी, जो आप इतने कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये शरारती तत्व है तो जल्दी पकड़ेंगे, प्रशासन का काम है क्योंकि नई नगर पालिका से उम्मीद थी भी कैमरे जल्दी से जल्दी ठीक। अभी अभी तो ये वहाँ हमारा वो भी नहीं, ओथ भी नहीं हुई है, उसके बाद करेंगे सब कुछ। बड़ी घटना सर क्या कहेंगे, बहुत बहुत बड़ी घटना है, बिल्कुल बिल्कुल, सभी नागरिकों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे और जल्द से जल्द प्रशासन कार्रवाई करेगा। फिर गौरव कुमार इस मौके पर मौजूद हैं और पूरी घटना का जायजा लेते हुए हर एक CCTV कैमरे को यहाँ चेक किया जा रहा है और अब तत्परता से जब पहुँच रहे हैं, टीमें गठित कर दी गई हैं, कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। मीनाक्षी अस्पताल के बाहर खड़े हैं और पुरानी घटना के साथ जो इस घटना के जहां जो तार जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो गैंगस्टर हैं गैंगस्टर ही कहेंगे क्योंकि इतनी गोलियां चली हैं और फिरौती का मामला हो सकता है क्योंकि डराने को लेकर के जो है जिस तरीके से गोलियां चलाई गई है वो डराने को लेकर के चलाए गए। बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। जाएंगे आज जो पूरा वाक्य हुआ है, ये बहुत निंदनीय घटना है जी, ये जो कोई सुरक्षा नहीं है, जैसे गुंडागर्दी है। लगभग 11 बजे दिन के मेरे भी बच्चे यहाँ ग्लूकोस लगी हुई थी लड़की का, और मैं अभी छोड़ कर 5-7 मिनट पहले यहाँ से निकला और मैं यहाँ चौंक लग गया, इतनी देर में मेरे पास फ़ोन गया भाई पापा गोली चल रही है हॉस्पिटल में, मैं आ जा। मैं वापस आया तो यहाँ कम से कम 10-12 राउंड लगे हुए थे, वो 2-3 जगह चलाया और मैंने इसमें ऐसे लगाया कि यहाँ किसी को मारने का इरादा से नहीं आए होंगे, वो दहशत फैलाना या पैसे कमाने के चक्कर में हो सकते हैं, जो मैंने महसूस करया है। तो इसमें पुलिस प्रशासन सारा तुरंत आ गया, मैंने भी 1-2 पत्रकारों से फ़ोन किया भई आप आइए देखिए क्या हो गया, ये तो बहुत गलत होया, ये शहर के अंदर गुंडागर्दी है। चलो आदेश करो, के लिए ही करेंगे और क्या, हम तो बराबर में खड़े आपका, फिलहाल तो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, कर रही है पुलिस, देखो कोशिश करेगी पुलिस, रिमांड पर देने हर टाइम रखो पास में, थाना जोन में चलना है क्या नहीं? चलो हाँ चलेंगे, गोलियां चलाई जाती है डॉक्टर पर, क्या हो गया सर? ये सारे समाज के लिए है,
कि वो ये यहाँ दहशत फैलाने के लिए आए थे ताकि वो अब जिसको भी टारगेट करें, जिसके पास भी मैसेज दें, तो चुपचाप अपने पैसे दे दे, दे दो प्रशासन पहले पहले की मांग की गई थी लगातार है जो डॉक्टर को टारगेट किया जा रहा है। हाँ जी हाँ जी, डॉक्टर संदीप से की गई थी, डॉक्टर राजेश से की गई थी, अब ये दूसरा वाक्य है तीसरा। आपको लगता है क्या जो पुलिस प्रशासन ने इसको डील दिया ताकि दोबारा से जो तमाम बदमाश यहाँ पर, ये तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, उस टाइम भी उन्होंने तो उम्मीद करते हैं हौसले बुलंद जरूर, बिल्कुल बुलंद है। एक मैं था, कोई डॉक्टर था जी। पहले उनके पास आया था, उसके बाद फिर मेरे पास आया था। मैंने एफआईआर कटवा दी थी, उन्होंने पैसे पूछे, इनको देने का सिस्टम जो था उलझा उलझू के, और उसके बंदे पकड़वा दिए थे जी। तो मामला वो पकड़ लिए थे, शांत सुन तो हो गया था। आज ये फायरिंग हुई है, अब ये फेसबुक पे कितना मांगा गया था सर पैसा? उस टाइम पे 20 लाख रुपए मांगे गए थे। तो वो समर्थक थे, वो डॉक्टर समर्थ थे उस पैसा देने में? किस चीज़ के वो पैसे मांगे गए थे ये नहीं पता, ये तो हमें कि भाई वो कुछ पैसे दे के प्रशासन के लोगों को भेजा गया था, वहाँ पे वो जो थे उनको पकड़ के ये जो लिंक था ये सारा ओपन हो गया था उस टाइम पे जी। ठीक है, उस टाइम पे ओपन होके वो जो उसके बंदे थे वो पकड़ लिए थे। अब आज जो फायरिंग हुई है, ठीक है, वो कह रहे अभी क्या करेंगे, यदि फोन आता है तो ये फिरौती के लिए तो देंगे या पुलिस का सहारा लेंगे, सुचेत रहेंगे? भाई फिरौती कहाँ से देंगे यार, 20 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? एक बात बताओ, इतने मोटे डॉक्टर थोड़ी हैं। ठीक है, हमारे सारे 50 फैमिली और चल रही हैं, ठीक है, मरीजों का सस्ता इलाज करते हैं, ठीक ठाक करते हैं, पैसे पूछे तो है नहीं भाई। बाकी मारना है तो ये मार ले, कल मार ली, परसों मार ली, मैं थोड़े मिलूंगा, मैं नहीं उठता भाई। डॉक्टरों का डॉक्टर का कर्तव्य बनता है वो अपनी जी जान लगा कर अपने पेशेंट्स की जो है सहायता करता है, उसकी जान बचाता है, लेकिन 15-15, 20-20 लाख रुपए कहाँ से देंगे? बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली है बनी थी, वो लगातार जो है रवाना हो चुकी है। एसएचओ साहब खुद गाड़ी चला रहे हैं और देख सकते हैं एसएचओ साहब खुद गाड़ियां चला रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट, अर्जेंट है, मैं एक बाद में। जिम्मेवारी ले ली सर उन्होंने, जिम्मेवारी ले ली, क्या वो लोग कहीं है नजर आए हैं? वो सारी चीजें वेरीफाई हो जाएंगी जी, पर थोड़ा अर्जेंट निकलना तो देख सर कहीं कहीं नजर आए हैं तो निकले हैं पुलिस के अधिकारी, निकले हैं पुलिस के अधिकारी, कुछ सुराग जो है उन लोगों के सामने आए हैं।